चाह करनी है। सच्ची मानना, अभी तत्व का बोध नहीं है इसलिए ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको प्रभु इतना प्यार करते हैं कि आप जो चाह करते हैं विवश होकर के प्रभु वही रूप धारण कर लेते हैं और आपकी चाह की पूर्ति करते हैं यदि आप शरणागत हैं और भजन परायण हैं। नहीं तो किसी की यहां चाह पूर्ति आज तक नहीं हुई। सब चाह कर रहे हैं धन की, भोगों की, पद की, प्रतिष्ठा की। जिनको मिल भी गया वो भयभीत है छूट ना जाए, आगे मैं इसी पद में स्थित रहूं, आगे इस भोग को भोगता रहूं, आगे हमारे पास संपत्ति बढ़ती रहे। चाह कभी पूर्ण नहीं हुई। चाह जीवन भर जलाती रहती है। यदि प्रभु की शरण में हो, प्रभु का भजन करने का अवसर मिला, फिर आपने चाह की भोगों की, तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं, बहुत विचार की बात कह रहा हूं, केवल भावुकता से नहीं, वो वही रूप धारण करके आपके समीप हो जाते हैं। आप जिस वस्तु की भोग की इच्छा करते हो वस्तु प्रभु बन जाते हैं। जो भोग की इच्छा करते हैं, जो इच्छा करिहो मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जब वही सब कुछ बने हैं, शास्त्र सिद्धांत है, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं। तो आपने चाह प्रभु की प्रभु रूप से नहीं की, इसलिए प्रभु नहीं मिल रहे। आप चाह उन्हीं समर्थ प्रभु से जो जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं, तुम्हारी सुन रहे हैं। अगर चाह मिट जाए और प्रभु की चाह प्रकट हो जाए तो भगवत प्राप्ति जैसा सहज कुछ है ही नहीं। किसी ने किसी महापुरुष से प्रश्न किया कि हमें 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, हमें भगवान क्यों नहीं मिले? कितना भजन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है जिससे भगवान मिले, मुझे क्यों नहीं मिले? तो उन महापुरुष ने कहा, तुम सत्य को साक्षी करके सच्चे हृदय से बताना, क्या तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की वास्तविक चाह है? थोड़ी देर शांत रहे और कहा, कभी कभी ऐसा आता है कि भगवान मिल जाते तो ठीक है। बोले, चाह का स्वरूप नहीं है। आप कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आप क्या चाह करते हैं कि अच्छी लाभ वृत्ति हमारी पूर्ण हो, हमें अच्छा धन प्राप्त हो, और जब नहीं प्राप्त होता तो आपको कैसा लगता है? तो वे बहुत जलन होती है और व्याकुलता होती कि मुझसे क्या कमी रह गई, जो मुझे लाभ मिलना चाहिए व्यापार में वो लाभ क्यों नहीं मिला। बोले, इसे चाह कहते हैं। ये चाह है, आपका हृदय जलने लगे, अंतर दाव लगी रहे, धुआन प्रगटे कोए, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंतर में आग लग जाए, क्यों नहीं प्रभु मिल रहे? बोले, आपको सुख से नींद आती है, भोजन अच्छा लगता है, परिवार से बातें करने में अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, सच्ची बताना। बोले, जी। तो बोले, अभी चाह ही नहीं प्रभु की मिलन की। चाह जब प्रकट होती है तो
तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तदस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ऐसे महापुरुष से विस्मरण तो होता ही नहीं, अगर विस्मरण का भ्रम हो जाए परम व्याकुलते थी, तड़पने लगते हैं, प्राण व्याकुल होने लगते हैं। और भोग सामग्री लोक लोकांतर की पद प्रतिष्ठा चाह से ही केवल पूर्ण नहीं होती, उसके लिए आपको प्रयत्न करके साधना, सुकृत, पुण्य, तपस्या और भी सब करना पड़ेगा। लेकिन सच्ची मानो प्रभु की प्राप्ति केवल चाह से होती है। बस ये चाह प्रकट करना महापुरुषों के संग से ही हो सकता है। साधना से प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता, तपस्या से प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक कोई साधना का मूल्य ऐसा नहीं हुआ जो प्रभु को खरीद सके। अनंत महामहिम प्रभु को कोई तपस्या के द्वारा खरीद सके ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जब चाह करके अंदर से हमारी व्याकुलता बढ़ती है, तो बाहरी चेष्टा को आप साधना कह लें, तपस्या कह लें, योग कह लें, वो अलग बात है। उस चाह में प्रभु का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसी चाह जिसने सब चाह को भस्म कर दिया, अब जिया ना जाए, जिया ना जाए, अब चैन नहीं। ये चाह जितनी ज्यादा प्रकट होगी, जैसे काम की चाह प्रकट होती है तो जिस गली में अपना प्यारा रहता है, कामना जिससे युक्त है, उधर ही दृष्टि रहती, वही मन घूमता है। तो आपको प्रभु की चाह हुई, प्रभु के चरणों में मन घूमता है, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम में, नहीं तो चाह कहां है? जिससे सच्चा प्यार हो जाता है उसके लिए प्राण पुष्प की तरह न्यौछावर करने में उत्साह रहता है उस प्रेमी को, कि अगर मेरा प्यारा मांग ले तो मैं प्राणों को फूल की तरह समर्पित कर दूं। आपको जरा सी प्रतिकूलता होती है और अपने प्यारे पे दोषारोपण करने लगते हैं, आप भगवान हो, आप ऐसा कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। चाह, अगर हम किसी गुण की, किसी पद की, किसी भोग की, किसी योग्यता की हमारे अंदर चाह है, तो अभी प्रभु मिलन की चाह नहीं है। हमारा चित्त जिस विषय का चिंतन करता है, मेरे प्रभु अंदर बैठे देखते हैं, वो बेपरवाह हो जाते हैं, प्रभु लगे रहो, जो चाहोगे मैं वही रूप रख के आ जाऊंगा, वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ, उनके सिवा कोई है नहीं। मत्ता परतर्म नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। और जब प्रभु मिलन की चाह होती है तो प्रभु चिंतित हो जाते हैं, भक्त बेपरवाह हो जाता है। अभी क्या है, प्रभु बेपरवाह है, हम चिंतित हैं, प्रभु मिलन के लिए नहीं, भोगों के लिए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये बड़ा जाल है माया का, जो जितनी ऊंचाई होता है वही जाल फेंक कर फंसाने की कोशिश करती है। संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये जब तक तुम्हारी चाह का विषय बनेगा तब तक भगवत साक्षात्कार साधना करने पर भी नहीं होता। इतना समझ लो कि साधन का केवल फल है असाधनों का त्याग हो जाना। बिना साधना के असाधन का त्याग नहीं होता, इसलिए साधन करना जरूरी है। पर साधन से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा ऐसा हमने अभी तक कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं। प्रभु का स्वभाव है
कि जब तक प्रभु को आप चाहेंगे नहीं तब तक वो आपके सामने अपना रूप प्रकाशित नहीं करेंगे। ये हृदय की बात मुख से आप रो के कह सकते हैं। देखो अलग अलग वृत्तियां होती हैं। जब आपके आंसू निकलेंगे और आप कहते हैं मुझे लाडली कब मिलेंगे, तो यहां हृदय में आपके दर्शन से तत्काल पता चलता है कि लाडली के लिए आंसू नहीं है। किसी समस्या और दुख और आंतरिक वृत्ति से थकित होकर यह बात कही जाती है, वो समझ में आपके हृदय में उस समय केवल लाडली ही है और उनके मिलन के लिए प्राण व्याकुल है। वो समझाना नहीं, ये अध्यात्म है, परमार्थ है, इसमें बाहरी बातें नहीं चलती हैं। प्रभु हमें ऐसा प्यार करते कि हम जब चाहें जिस रूप में चाहें उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते रहते हैं। त्रिलोचन जी ने चाह की कि मुझे नौकर मिल जाए तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब अंतर्यामी नाम रख करके नौकर के रूप में आ गए। अर्जुन ने चाह की कि गांडी जैसा धनुष, अक्षय तुड़ीर, समस्त दिव्यास्त्र, दिव्य रथ, दिव्य अश्व, तो सारथी भी दिव्य होना चाहिए। तो मेरे प्यारे सखा, अगर सारथी रूप में हो तो मैं विश्व को परास्त कर सकता हूं। तो समस्त जगत के स्वामी सारथी बन के बैठ गए। जहां अर्जुन उच्च सिंह आसन पर और सारथी का आसन कहां होता है, रथी की पादुका के पास, जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि अपने मस्तक से नमन करते हैं, वो प्रभु वहां बैठ गए। चाह जो जो करोगे आप शरणागत हो, प्रभु के लाडले हो, वो आपकी चाह पूर्ति करते रहेंगे। आपने मां पिता पत्नी पुत्र धन संपत्ति जो जो चाह की है वो बना हुआ आपके पास बैठा हुआ है। वही ये सच्ची बात, जब वो दर्शन कराते हैं ना तब आपको अनुभव होगा कि अरे ये पर्दा हट जाता है पांच भौतिक दिखा, अरे वही वही वही। ये जो श्लोक लिखा हुआ है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जिधर दृष्टि डालता है उधर वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जब पर्दा हट जाता है ज्ञान का, तो चीटी में भी, हाथी में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, पवित्र योनि में भी, अपवित्र योनि, वो पर्दे नहीं है, वो केवल जिधर देखता है। जैसे गोपीजन, जित देखू तित श्याम मई, सखुबाई को दर्शन कराने के लिए सखुबाई बन करके बन गए और उसके पति की सास की सबकी सेवा कर रहे हैं। कौन? जिनकी सेवा में अनंत शक्ति संपन्न पार्षद हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो सखुबाई बन करके बंध गए और सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं उसके पति के। हमारे प्रभु की कोमलता, दयालुता, कृपालुता, महानता, स्वभाव आप नहीं जानते। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी से कहा, एक बार आप अपने दिल की बात बता दो एक शब्दों में। तो भाई जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तज भावना। अश्रु प्रवाह होने लगा और कहा, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं। सच्ची सच्ची, हम जो चाह करते हैं मेरा प्रीतम वही बना मेरे सामने होता है। अगर हम ये अन्य नाम रूप वस्तु व्यक्ति भोग की चाह ना करें, केवल ललित त्रिभंगी, तो वही रूप या निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, बस मैं यही देखना चाहता हूं, यही चाह है। तो इसकी परीक्षा होगी आपकी। अगर अन्य ना
तो देर नहीं लगेगी, ये रूप प्रकाशित हो जाएगा। ये केवल चाह से मिलता है, केवल चाह से। पर तुम विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो, साधना तो केवल असाधन को नष्ट करने के लिए है। राम कृपा पावही कोई कोई, ये कृपा से, कृपा उसी के चाह, और चाह मिलती है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। इसीलिए संग के बराबर कोई भी तप और साधन नहीं रखा गया है, यहां तक मोक्ष को भी बराबर। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग। जीवन परिवर्तन हो जाता है, जीवन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से चाह पलट जाती है। प्रभु की चाह प्रकट हो जाना, भजन करने की चाह प्रकट हो जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार, छोटी मोटी बात नहीं। भगवान सर्वत्र होते हुए भी अपने को ढके हुए हैं त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे से, वो सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं, दृष्टि में रहते हुए भी। बहुत ध्यान से सुनना, परमार्थ है। भगवान सबके समीप रहते हुए, सबके समीप रहते हुए भी सबकी दृष्टि में नहीं आते, त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगा है। कोई अगर अभिमान करके साधना करे तो भगवान को अनंत जन्मों में भी साधना से खरीद नहीं सकता। आज तक कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा इतना साधन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, इतनी तपस्या के परिणाम से आप भगवान को खरीद सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप साधना ना करो, साधना नहीं करोगे तो असाधन जो चल रहा है वो रुकेगा ही नहीं, तो फिर बात बनेगी नहीं। साधना असाधन त्याग के लिए है, पर भगवान की प्राप्ति भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्रकट हुई चाह से है। चाह, खूब साधना करो लेकिन आज तक कहीं ये परिणाम लिखा नहीं पाया गया कि साधना से प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ। अपने यहां तो सिद्ध महापुरुषों ने कहा, रे मन रसिकन संगविन रंचना उपजय प्रेम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्थान यमा यमाह यथा वरुंधित सत्संग सर्वसंगोपहो हिमाम। व्रत से, साधना से, नियम से, वेदाध्ययन से, तीर्थयाटन से और धर्मों के पालन से मैं वश में नहीं होता, पर एक संत संग ऐसा जो सर्व संगों का त्याग करा करके मुझे वशीभूत कर लेता है। आज तक कोई मूल्य नहीं लिखा पाया गया शास्त्रों में जिससे हम भगवान को खरीद सके, कोई मूल्य, कोई साधना, कोई तपस्या, कोई तीर्थयाटन। हमने तो महापुरुषों के मुख से सुना है कि तीनों लोकों की तपस्वियों की तपस्या इकट्ठा करके भी भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। भगवान की कोई कीमत नहीं। इसके दो अर्थ हैं, भगवान की इतनी महान कि कोई कीमत ही नहीं है। जैसे बोले ये तो अमूल्य हीरा है, इसकी तो चाहो जो ले लो पर इसकी कीमत, जैसे यमराज जी ने जब कहा तुमने दो बार राम राम कहा इसकी कीमत क्या, तो हमें नहीं पता आप बताओ ना। बोले कीमत तो नहीं बता सकता क्योंकि नाम की। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, यहां तक स्वयं भगवान से यही प्रश्न किया गया तो भगवान ने भी कहा कीमत तो नहीं बता सकता पर प्रभाव उसका देख लो कि आप लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुषों द्वारा पालकी में लाया जाकर हमारी गोद में बैठा, पर यह कीमत नहीं कह सकते इसको, अमूल्य। तो भगवान की कीमत क्या है अर्थात अमूल्य है। और दूसरी बात,
कोई मूल्य नहीं, केवल तुम मिलना चाहो बस हृदय से। पर इस मिलने की चाह का प्रभाव की अन्य कोई चाह नहीं, न सुख की न दुख की न लोक की न परलोक की, यहां तक कि न मोक्षास्याकांक्षा, मोक्ष की भी आकांक्षा है। प्रभु को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, अन्य चाहों का त्याग करना कठिन है। बात समझो, ये हम कोई अलंकारिक भाषा नहीं बोल रहे, प्रभु की चाह आग की तरह हृदय में प्रकट हो जाती है, ऐसी बेचैनी पैदा होती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई उनकी रूप की चर्चा, गुण की चर्चा, नाम की चर्चा, धाम की चर्चा सुनाए तो जैसे भूखे प्यासे को थोड़ा सा मिल जाए तो प्राण पोषण हो जाए बस, और कोई उसकी चाह को संतुष्ट कर सके ऐसा त्रिभुवन में कोई पद नहीं। देखो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न रसाधिपत्यम, तो कोई पद नहीं, कोई भोग नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, जब चाह प्रभु के मिलन की प्रकट हुई। प्रभु की चाह समस्त चाहों को भस्म कर देती है, ये चाह और किसी चाह को बर्दाश्त नहीं करती है। ये जब चाह प्रकट हो जाती है तो जिस माया से सब बड़े बड़े साधक जन, सिद्ध जन, ज्ञानी जन उसकी प्रभुता महिमा का वर्णन करते हैं, माया खल नर्त की बिचारी, भगवत चाह करने वाले महापुरुष के सामने एक नर्तकी की तरह है, वो आकर्षण नहीं कर सकती। ये तभी तक हमको लूटते रहते हैं काम क्रोधादि, तावद रागा दहस्तेनास्तावत कारा गृहम गृहम, तावन मोहोंघ्र निगडो यावत कृष्ण न ते जनाहा। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, जब तक तुम्हारा जन नहीं बन जाता तब तक यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष जो चोर हैं, ये सुकृत का ऐसे चतुरता से ठगी करते हैं कि हम राजी रहते हैं खुशी हो करके, लेकिन जो प्रभु का जन हो जाता है फिर नहीं। ये मोह की बेड़ियां ऐसी मजबूत बेड़ी है जिसे किसी अस्त्र से नहीं काटा जा सकता। मेरी मां, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा मौसी, मेरा ऐसा अंदर बैठ गया है कि इनके लिए प्राण देना सहज लगता है, बड़ा कठिन राग। जब तक प्रभु का जन नहीं हुआ तब तक इस राग का त्याग करना, मोह की बीड़ियां ऐसे जकड़े रहती हैं नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। किसी साधक के परिचय का कोई परिवार का एक बार आया था, ही धाम में थे, मिले, फिर वो गायब से हो गए, तो सेवा में रहते थे वो, उन्होंने कहा वो आए थे फिर पता ही नहीं उनका कहाँ। रात्रि में फिर दो ही तीन लोग उस समय थे तो वहां गए ढूंढने, तो किसी ने बताया यमुना किनारे गए तो ऐसे कपड़ा ढके हुए बैठे थे ऐसे। बड़ा हमें अच्छा लगा कि चलो वृंदावन आने का यही लाभ। उनसे कहा हट नहीं किया जाता, चलो प्रसाद पाव चल करके, क्या तुम्हारे अंदर चाह है? तो रो पड़े, कहा हमारी बिटिया को उसके ससुराल वालों ने त्याग दिया है तो हम प्राण त्यागने आए, ना खाएंगे पिएंगे ना कुछ करेंगे, और रो पड़े कि ऐसा ऐसा अच्छा है, भाव अच्छा है, पर अपने लोगों के लिए जो भाव आदर का होता है कि अगर ये होता
कि एक बार श्री जी दर्शन दे मुझे या श्री जी का भजन या प्रेम मिले, जीवन व्यर्थ जा रहा है, चरणों में लौटने का मन करेगा। धन्य हो तुम गृहस्थ होते हुए भी, धन्य तुम्हारी ऐसी चाह है। उस चाह इसमें तो पूरा संसार फंसा हुआ है। तावन मोहोंग्री निगडो, ये मोह जंजीर की तरह बांधे हुए है, अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं मोह के प्रति। लाख दो लाख नहीं, प्रायः सब, कोई बिरला है जो इस मोह की जंजीर को काट करके भगवान के भजन मार्ग में चले। हमारे मन में प्रभु की चाह तभी मानी जाएगी जब जीने की भी चाह नहीं, किसी के संग की चाह नहीं, किसी भोग पद प्रति कोई अन्य चाह ही नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह, वो बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। और वाल्मीकि जी भी भगवान श्री राम से कह रहे कि जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सने सहज। कोई चाह लेकर के आपसे प्यार नहीं है, आप ऐसा करें तो आप मेरे प्यारे, आप ऐसा ना करें तो आप झूठे, आप प्यारे नहीं, ऐसा नहीं, प्यार में नहीं होता। तुम सन सहज सने तो बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे, ऐसा नहीं कि आए और चले गए झलक देके, नहीं, वो बसहु निरंतर तास उर, उसके हृदय में निरंतर प्रभु बसते हैं। कैसे, जैसे अपने घर में रह जाता है, बाहर बुलाने पर गए, घंटा दो घंटा सभा में बैठे चले आए, लेकिन अपने कुटिया में वहां तो रहा ही जाता है, वहां कोई थोड़ी कि कितने मिनट हो गए यहां रहते हुए, वो तो सहज। उसका हृदय महल है जिसके हृदय में कोई चाह नहीं, सहज में प्रिया प्रीतम से अपनापन, वहां प्रिया प्रीतम खेलते हैं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है। एक बार देखने की प्रबल चाह, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। गोस्वामी जी क्या कह रहे, मुझे सदगति नहीं चाहिए। देखो प्रायः भजन का फल हम क्या चाहते हैं, कि हमारा कल्याण हो जाए, सदगति हो जाए, लेकिन जिसे प्रभु से प्रेम है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे चाहो न सुगति, मेरी सदगति हो मैं नहीं चाहता, सुमति मुझे बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, विपुल बढ़ाई लोग वाह वाह करें मुझे नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या, हे राघवेंद्र सरकार, आपके चरणों का चिंतन करते हुए आंसू बहाते हुए समय कटे बसी है, मृत्यु की बाट जोह रहे हैं, मुख में नाम है, हृदय में उनकी प्रति प्रीति है, आंखों में अश्रु रूपी पुष्प हैं जो प्रतिपल चढ़ा रहे हैं, बस इतना चाहिए। कोई सदगति, कोई ज्ञान, कोई रिद्धि सिद्धि सब नहीं चाहिए। आपका चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह करते हुए अनुराग पूर्वक, तो ये महामहिम स्थिति है। जब यह चाह रहेगी तो प्रभु एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होते। पी मूरति नैनन बसे तेही रस रहे समाए, जिससे कल चर्चा में था कि कभी तो ऐसा लगता है मिले ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि बिछुड़े ही नहीं, कभी मिलन कभी विरह, ये प्रेम की वृत्तियां हैं। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये प्रेम की भान उफान तरंगे हैं।
भगवत प्रेमी महात्मा के क्षण मात्र के संग से ऐसा दुर्लभ चाह प्रकट होती है, ये चाह। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। लोग प्रश्न करते हैं तो प्रश्न की धारा को अपने गुरु प्रताप से समझा जाता है कि क्या इसका भाव है। तर्क संगत प्रश्न करोगे कि क्या गुरु के बिना कल्याण हो सकता है, तो उत्तर होगा कि आप किसी मनुष्य को गुरु नहीं, प्रभु को गुरु बनाइए और उनका नाम जप कीजिए, मंगल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको सेवा कुंज जाना, निधिवन जाना है, बाक्य बिहारी जाना, राधा वल्लभ जी जाना है, तो आपको क्या गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आप बाहर से आए हैं तो आपको पूछना होगा। अगर कहीं एक विश्वसनीय जो सब जगह दर्शन कर चुका है और वो पास हो, तो आप निर्भय होकर बिना किसी प्रश्न के उसके साथ छोटी छोटी गलियों से होते हुए वहां पहुंच जाएंगे। आप आनंदित रहेंगे, कोई संशय नहीं होगा और ठीक ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। तो बिना परिचय जानने वाले के हम परिचय कैसे जान सकते हैं? अब वो परिचय जनाने वाला प्रभु का कोई दूसरा नहीं होता। सोई जानई जे देह जनाई, वो अपने को जनाने के लिए ही हमारी जैसी भाषा बोलने वाले, हमारे जैसे दिखने वाले रूप को धारण करके वो हमें समझाते हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन है? सोई जाने जे देह जनाई। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भागवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। अगर ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो उस संग की तुलना में स्वर्ग या मोक्ष की भी बराबरी नहीं। फिर मर्त लोक के भोगों की बात क्या? एक क्षण में, ये विश्वास की बात है, हमारे जीवन का पूरा परिवर्तन होके एक क्षण में भगवत प्रेमी महात्मा पर। हमारा विश्वास और श्रद्धा जितनी जोर की होगी उतना। अगर हमारा श्रद्धा विश्वास दृढ़ है, देखो कई बार कहा है, आप भगवत प्राप्ति की चिंता छोड़ दीजिए, वृंदावन में बैठा हो मेरे वचन स्वीकार कीजिए, आप अनन्य हो जाइए श्यामा श्याम की, सारा ठेका वहां तक पहुंचाने का। बोले इतने हम नहीं, हम अपने आए आचार्यों की वाणी के अनुसार। हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अंगद जी में बल नहीं था, नहीं था, समुद्र नहीं लांगने का उत्साह था, समुद्र लांगने का उत्साह कि वहां गया वहां से वापस आऊं कि ना आऊं, इतना उत्साह। जहां से वापस आने की शंका थी उसी सभा में चरण गाड़ दिए कि सिया राम जी को दांव में लगा दिया कि राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को हार जाएंगे, तो मेरा चरण उठा ले। पर कैसे? राम प्रताप सुमिर पन रूपा, अपना बल नहीं, राम प्रताप। तो हम जो आपको कहते ना ठेका लेते हैं, हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध आप सुन करके भी नहीं जान पा रहे। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं। शब्द सुनो, सहज लाडली लाल, सहज सहज लाडली। तो द्वारे बटत हैं तो मतलब पंक्ति, पंक्ति मतलब अनन्यता, अनन्यता मतलब मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी प्रियालाल मिलेंगे, इनके बल से प्रियालाल मिलेंगे। जब राधिका श्याम प्रसन्न भए तब नित्य समीप सुख खेच ले, पर तुम्हारा रोना बंद नहीं होता अपनी अनुकूलता के लिए। देह अनुकूलता, मन अनुकूलता, इंद्रिय अनुकूलता, और फिर उसमें जब आप साधन की चरम सीमा सुनते हैं तब आपका हृदय घबरा जाता है,
ऐसों को भगवत प्राप्ति नहीं, तो मेरे को क्या भगवत प्राप्ति? तो हो कहां तुम? तुमने सोचा कि तुम नाव में बैठे हो, साधना नहीं? उसी समय तुम्हारे मन में किसी उपासक से चर्चा में कि ऐसे ऐसे लक्षणों से तो नरक की प्राप्ति होगी, तो हाथ जोड़कर उसने कहा कि ये बातें दूसरों को भयभीत कर सकती है, कृपा कीजिए मुझे नहीं, मुझे अब ये बातें भयभीत नहीं कर सकती है, क्योंकि हम किसी साधन पक्ष के हम में नहीं है, हम तो आप ले जाओ बैठा ला वहां बैठ गए हैं। उस समय तो ऐसे कर, बाद में चिंतन में हृदय शीतल हुआ, यही यही हम चाहते हैं। हम भी कहें कि तुम्हें नरक मिलेगा तो तुम्हें हंसी आनी चाहिए कि आपने कहा था ऐसा, वो बात हमारे बैठ गई है, अब नरक स्वर्ग पवरगास नहीं त्रास है, जा रहा खोता रहो मानी सुखरा, अब भय की जरूरत क्या है? सच्ची मानिए, बिना प्रीति नहीं मिलते प्रीतम, बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति, सर्व त्याग इसी से प्रीतम, प्रीति प्राप्ति की सुंदर रीति, धन संपत्ति मान पद गौरव, इंद्री सुख कर भोग अनंत, सबको सहज त्याग जो करता, मुक्ति वासना का भी अंत, स्वसुख वासना लेस मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार, मिलती उज्ज्वल प्रीति परम उस भाग्यवान जन को अविकार, लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार, अगाध सफल करो जीवन उन राधा का कर आराधन निर्बाध। बिना प्रीति के उसे ही चाह कहते हैं, बिना प्रीति के प्रीतम नहीं मिलते, और बिना अन्य चाहों के त्याग के प्रीति प्रकट नहीं होती, और सर्व त्याग बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के नहीं होता। श्री भगवान के वचन, सर्व संगो पहो ही माम, सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य। अब ये चूक साधक कर बैठता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि हम जिनके संग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वहां सब संबंध काटने हैं, वो नहीं समझ पाता है। वो बड़ा निष्ठुर समझता है गुरुजनों को, संतजनों को, इनके हृदय में तो प्रेम है नहीं, ये क्या जाने मां पिता भाई बंधु परिवार का प्रेम। हम जिस प्यार के लिए जिस मार्ग में कृपा से लाए गए हैं उस मार्ग में हम निर्मोही नहीं हुए हैं, हाँ हम ये जान गए हैं कि जिससे हम प्यार करते थे उसका असली रूप क्या है, मूल के मां में जो मां की तरह मैं दुलार कर रहा था, पिता में पिता की तरह जो पालन कर रहा था, रिश्ते नातों में जो हमें आकर्षण हो रहा था वो इन्हीं का था, मूल मिल गया, इसलिए अन्य सब संबंध जो मायाकृत नाम रूपधारी हैं उनसे चित्त को हटाने का बल भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलता है। हम क्या करते हैं कि बहुत गुप्त जगह में अपने माने हुए प्रिय संबंधों को छुपा के रखते हैं, और जहां प्रतिकूलता की कसौटी भेजी गई वहीं खड़े मिलते हैं। जिस मार्ग के पथिक हो फिसल गए आप गए, किस मार्ग के पथिक हो सर्व त्याग से प्रीति प्रकट होती है,
और प्रीति से प्रीतम मिलते हैं। और जो सर्व त्याग तुम कदापि नहीं कर सकते वो उनके वचन और कृपा कोर से ऐसे सहज में हो जाएगा, पर उपासक नहीं समझता। यही भगवान की दुरंत माया है कि अमृत कुंड के समीप आकर भी वो आचमन भी नहीं कर पाया और फिर फिसल कर विषय रूपी विष में गिर गया जाके। धन संपत्ति मान पद गौरव इंद्रिय सुख भोग अनंत, अनंत भोग है इंद्रिय सुखों के, सबको सहज त्याग जो करता और मुक्ति वासना का भी अंत, मेरा मोक्ष हो जाए ये भी नहीं। बहुत कम शब्दों में प्रेम के आचार्य है ना, निकुंज प्रेम के, तो वो कह रहे हैं दूरादपाश स्वजनान, सबसे पहली बात अपने पारिवारिक संबंधों के सुख से एकदम दूर। कल किसी ने पूछा कि आप कभी हमारी भी याद करते हैं, ने हाथ जोड़ के कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी याद रही नहीं गई। अगर आपको ये जरूरत है कि आपकी याद हमारे अंदर आवे तो प्रियाजू से प्रार्थना करो, प्रियाजू से कहोगी तो वो यहां मैसेज भेज देंगे, याद आपके पास पहुंच जाएगी। अन्यथा ये याद बिक गई है, खरीद लिया है किसी, ये अब याद हमारे पास नहीं रह गई है। जैसी रूपलाल हिथांत बिकानी, किसी भी संबंध से ये याद कहीं जाने वाली नहीं है। इस याद को किसी एक भगवत पार्षद ने गिरिराज जी से आके कहा कि आज आप स्वप्न में आए थे ऐसा ऐसा, कहा नहीं बिल्कुल नहीं। जिनका यंत्र है ये उन्हीं के हाथ से चलता है, वही सब, हमें कुछ पता नहीं क्या बुलवाएंगी, कहां भेजवाएंगी, किससे, हमारा अस्तित्व नहीं है। ये कब भाव आएगा आपके अंदर? दूरादपाश स्वजनान, किसी से संबंध नहीं। सुखमर्थ कोटिम, इंद्रिय सुख भोग अनंत, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले वैभव सुखों का, और सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। अब यहां एक उपासक ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं साधन बल से नहीं तो फिर भजन करने में अरुचि होती है कि प्रभु तो कृपा से मिल ही जाएंगे, तो आप फिर टीवी देखो, मनोरंजन करो, भोग विलासता करो। नहीं, ऐसा नहीं है, उस रास्ते को समझिए। तुम अब साधना नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए आदेश हुआ है एक क्षण भी प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम से विमुख नहीं रहना। ये तुम्हारी साधना नहीं, ये आज्ञा पालन है, और इस आज्ञा का फल होगा, प्रियालाल मिल जाएंगे। तुम साधन साधक नहीं, तुम कौन हो? बस मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो ही कहा है करें हम सोई, और वो करवा रहे आदेश देकर के, तो हो रहा है मेरी सामर्थ्य नहीं, निराहंकार अहंकार रहित और दिव्य साधना पर है। आप जैसे इस सत्संग सुन रहे हैं तो आप देख भी तो रहे ना, दिनचर्या देख रहे हैं, 1:30 बजे उठ करके दिनचर्या ये श्री जी करवा रहे, तो आपको पता नहीं चल रहा किस कोट की साधना हो रही, पर ये साधना हो रही क्या? नहीं, यंत्र में चढ़ा हुआ कठपुतली जैसे नाचता वैसे नाच रहे। यंत्र में प्राण नहीं होते, किडनी नहीं होती, पर बहुत जोर का वो नाचता गाता है, बस ऐसे ये यंत्र चल रहा है। तभी लोगों को आश्चर्य होता है कि सही में डायलिसिस होता है, सही में किडनी खराब है इनकी, तो यंत्र है। यंत्र में देखा है क्या कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है कि उसकी भाई स्वस्थ रहे? वो बिना किसी इंजेक्शन के स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो यंत्र है, यंत्री कोई और है उसको नचाने वाला, और ये यंत्र बन जाए, इसीलिए मंत्र मिला है तुम्हें। मंत्राकार वृत्ति करो तो तुम्हारा अहम गलित हो जाए, भी देखोगे आप अहम और कर्म बंधन से नहीं, आप लाडली की मुस्कान से चल रहे हैं। सबका सहज त्याग, त्याग का मतलब मुंह बनाना नहीं है। एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत, सेवक जी महाराज ये नहीं है, बात करो, ये सब नहीं, बड़े प्रेम से विवाह।
किससे कर रहे हो प्रेम? सबका त्याग करना है, हो चुका है, मेरा प्रीतम सब में समाया हुआ है, मैं उसी का आदर करता हूं, उसी को देखता हूं, उसी से प्यार करता हूं, उसी से लड़ता हूं, उसी से खेलता हूं, उसी से हंसता हूं, उसके सिवा कोई दूसरा मेरे जीवन में मेरी दृष्टि में नहीं, खत्म। इसे सर्वत्याग कहते हैं। सर्वत्याग का मतलब सब छोड़ छाड़ के गुफा में एक पर्दा लगा के बैठ गए, सर्वत्याग हो, ये तो कर लिया बाहर ही, अंदर अंदर देश में अंतरदेश में ये भूताकाश का त्याग तो तुमने बाहर ही दिखा दिया, लेकिन हृदयाकाश में वहां जो चल रहा है वहां दिखाओ, भूताकाश में वैसे ही व्यवहार करो, और हृदयाकाश केवल एक के लिए, वहां द्वितीय का प्रवेश नहीं है, वहां मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो वही बात बाहर दिखाई देगी, जो भीतर वो बाहर, बाहर भीतर एक, वही सच्चिदानंद में सिद्ध। स्वसुख वासना लेश मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार, क्योंकि स्वा अर्पित हो गया श्री जी के चरणों में, अब स्वा श्री जी है, स्वादेह नहीं है, स्वा इंद्री नहीं है, स्वांतःकरण नहीं है, स्वा श्री जी हो गई। मिलती उज्ज्वल प्रीति परम उस भाग्यवान जन को अधिकार, उस महान अधिकारी को उज्ज्वल प्रेम का हृदय में प्रकाश अनुभव में आता है, समुद्र लहराता है प्रेम का, जो केवल इनका हो गया, कोई दूसरा है ही नहीं, जिसे तुम अपना मान रहे हो वो प्रीतम ही है, पर जान नहीं पा रहे हो। इसके जानने की प्रक्रिया है, पहले व्यतिरेक फिर अन्वय, व्यतिरेक ये नहीं ये नहीं ये नहीं, फिर जब है तो फिर सब है, वही नजर आ जाएगा। अब वो ऐसे ही आ सकते हो, बोले मेरे भगवान तो वैसे ही कह रहे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और उसमें आरोप कर लिया, पहले जहां तुम्हें लग रहा है जी नहीं सकते, राग रहित होइए, राग रहित हो के फिर देखिए, तब समझ में आएगा मेरे भगवान, ऐसे थोड़ी अनुभव में आ जाएगा। मोह को जैसे एक गीली लकड़ी है, फिर उसमें और जल में डाल दो, फिर इसके बाद सोचो वो प्रज्वलित हो, नहीं पहले उसे सुखाओ, यही सुखाना है व्यतिरेक, नहीं नहीं नहीं, फिर है, फिर है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ये अनुभव हो जाता है। लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार अगाध, सफल करो जीवन उनसी राधा का कर आराधन निर्बाध। अबाध किशोरी जू के चरणों का अखंड चिंतन करके, उनसे अपनापन करके, इस जीवन की उस ऊंचाई पर जहां मुनिजन वांछित बंदनीय रज में खेलते प्रिया प्रीतम, उस रस को प्राप्त करें। हमारी चाह ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, इस चाह को दूर करने का उपाय सत्संग, सत्संग से प्राप्त भगवत प्राप्ति की चाह से युक्त हृदय ही महाप्रेम रस को प्राप्त होता है।